अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग साहब ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स की पेपर स्कीम 2023 न्यू पेपर स्कीम जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तमाम पंजाब बोर्ड्स जिसमें लाहौर, सरगोधा, सहवाल, मुल्तान, डी जी खान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, बहावलपुर, तमाम पंजाब बोर्ड, गुजरांवाला, तमाम पंजाब बोर्ड और आज़ाद कश्मीर बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं वो इसी पेपर स्कीम को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। पेपर स्कीम में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। 17 नंबर की आपकी एमसीक्यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में चैप्टर 12 से 2 एमसीक्यूज़ पूछी जा सकती हैं, 13 में से 1, 14 में से 2, 15 में से 2, 16 में से भी 2, 17 में से 1, 18 में से 2, 19 में से 2, 20 में से 1 और 21 में से 2 एमसीक्यूज़ जो है वो पूछी जा सकती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 शार्ट क्वेश्चन पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को टोटल जो है 12 सवाल दिए जाएंगे, जिनमें से 8 का आप लोगों ने आंसर देना होगा, तो 16 नंबर का ये पार्ट होगा। तो इसमें चैप्टर नंबर 12 से 4 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 14 में से भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 21 में से 4 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी 12 सवाल दिए होंगे, 8 करने होंगे, 2 नंबर के एक होगा तो 8 जो आप करेंगे 16 नंबर के होंगे। इसमें चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 में से 3-3 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद मतलब 13, 16, 17, 18 सार में से 3-3 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 9 क्वेश्चन होंगे, 6 करने होंगे तो ये 12 नंबर के होंगे। इसमें चैप्टर नंबर 15 में से 4 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 19 में से 3 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर 20 में से 2 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो इस तरह आपके शार्ट क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 24 मार्क्स के होंगे आप लोगों के, मतलब 8 नंबर के होंगे। थ्योरम और जो है आप लोगों का न्यूमेरिकल कंफर्म नहीं है, किस चैप्टर में से थ्योरम आएगा, किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा। कोशिश करें कि जिन 3 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह कर रहे हों, 3 क्वेश्चंस को मतलब 6 चैप्टर्स को, उन 6 के 6 चैप्टर के थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल जो है वो आप अच्छी तरह जो है वो कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ए पार चैप्टर 12 में से, बी पार चैप्टर 13 में से, ये भी हो सकता है कि ए पार 13 में से आ जाए, बी पार 12 में से आ जाए। तो मतलब इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपने चैप्टर 12 और 13 करना है और दोनों के ही अगर आप ये जो है क्वेश्चन पिक करेंगे तो दोनों के ही आप लोगों ने न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो करने हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर 14 और 15 होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर 16 और 18 होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर 17 और 19 होंगे और क्वेश्चन नंबर 9 में चैप्टर नंबर 20 और 21 होंगे। तो इनमें से कोई से भी 3 क्वेश्चन जो आप करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन 3 क्वेश्चंस के आप ने जितने भी चैप्टर होंगे न्यूमेरिकल और थ्योरी जो है वो दोनों करेंगे। ये नहीं कि एक चैप्टर के न्यूमेरिकल लें कर लें, दूसरे के थ्योरी कर लें, इस तरह नहीं करना। जिस चैप्टर को आप लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे उसके न्यूमेरिकल भी तैयार करने हैं और थ्योरी क्वेश्चन भी करने हैं। इंशाल्लाह गेस्ट पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप बायो के हैं तो बायो के पेपर्स की मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है तो वो टैब नज़र आ रहा होगा, तो टैब जो है वो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।